नाम का एक कस्बा था जहाँ भोलानाथ अपनी बीवी काव्या और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। भोलानाथ एक कंजूस व्यापारी था, वो शहर से कपड़े लाकर कस्बे में बेचा करता था। अरे काव्या, कहाँ हो तुम? और मेरी चाय कितने देर में आएगी? लाती हूँ बाबा, लाती हूँ। सुबह हुई नहीं कि आपकी चाय की चुस्की का ड्रामा शुरू। काव्या भोलानाथ को एक ट्रे में चाय लाकर देती है जिसमें कई सारे बिस्किट्स और कई सारे वेफर्स भी रखे हुए थे। अरे ये किसकी शादी से लेकर आए हो? इतने सारे बिस्किट्स और इतने सारे वेफर्स कहाँ से लेकर आई हो? आज मैंने आपको बताया था ना कि मेरे दूर के मामा जी मेरे घर पर दावत के लिए आने वाले हैं, इसीलिए आज मैंने अच्छी अच्छी पकवान और अच्छे अच्छे दावत की व्यवस्था की है। पर काव्या, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुमने तो सारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए थे। जी, मैंने तो आपके पूरे 1,000 रुपए निकाल लिए। अच्छा नहीं लगता ना कि मेहमान घर पर आए और उनका स्वागत रूखे सूखे तरीके से हो। क्या कहा, 1,000 रुपए? इतने सारे पैसे तुमने खर्च कर दिए? हे मालिक, मैंने अपने 3 दिन की कमाई पेट काट काट कर कमाई थी और तुम हो कि चाय पकवान बना रही हो। भोला राम सारे बिस्किट और चिप्स उठाकर उन्हें एक झोले में रख लेता है। मैं जा रहा हूँ इन फालतू की चीजों को दुकान में वापस करने, और मुझे इन सब से कोई नहीं रोक सकता। भोलानाथ दुकान जाकर वो सारी चीजें वापस कर देता है जिससे काव्या को बेहद बुरा लगता है। क्या फायदा इनकी इतनी कमाई का, खुद का खानदान मनपसंद की दावत भी नहीं खा सकता है। मैं अपने बच्चों को लेकर मम्मी के घर चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना अब इनके साथ। काव्या अपने बच्चों को लेकर अपने मम्मी के घर चली गई और भोलानाथ घर पर अकेला रह गया। लेकिन उसे अपनी बीवी और अपने बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। अच्छा हुआ काव्या और बच्चे मायके चले गए, कुछ दिन में दिवाली है। अगर यहाँ रहते तो ना जाने कितना खर्चा हो जाता। अकेले रहूंगा, दाल चावल खाकर सादा सिंपल जीवन रहूंगा। भोलानाथ अपना धंधा अकेले ही चलाने लगा। कुछ दिन बीत चुके थे, भोलानाथ का कपड़े का धंधा ठप होने की कगार पर आ गया था। अरे भैया, ये सूट कपड़ा कितने का दिया है? ये सिर्फ 300 रुपए का। अरे सूटी कपड़ा इतना महंगा है तो जाने दो, मुझे तुम्हारी दुकान से कुछ नहीं खरीदना भैया। इतना कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला गया। 2 दिन और बीत गए थे, भोलानाथ दुकान पर अकेले ही बैठा हुआ था। ना ही कोई ग्राहक दुकान पर आ रहा था और ना ही कोई बिक्री हो रही थी, जिससे परेशान होकर भोलानाथ ने अपनी कपड़े की दुकान बंद कर दी और वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगा। तभी वहाँ कस्बे के 2 लोग बातें कर रहे थे। अरे सुना कि नहीं तुमने, गांव के बाहर एक जादूगर आदमी आया है जो लोगों की ख्वाहिश पूरी कर देता है और उन्हें बहुत पैसे वाला बना देता है। हाँ, ये तो मैंने भी सुनी है। अगर ऐसा है तो हमें भी उस जादूगर के पास जाना होगा और अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी होगी। उन दोनों की बात सुनकर भोलानाथ मन ही मन सोचने लगा, अगर ये बात सच है तो उस जादूगर आदमी से मुझे मिलना होगा। मेरे कितने सारी ख्वाहिशें हैं, अगर वो सच हो गई तो मैं इस गांव का और इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। भोलानाथ ने बिना देर किए अपनी बीवी और अपने बच्चों को घर बुला लिया और काव्या को कुछ रुपए देकर कहा, आज तुम सब अच्छे खाना पकाना, मैं अपने एक खास मेहमान को घर पर लेके आने वाला हूँ, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना जी, आप कब से इतना बदल गए? आप तो कभी इतने पैसे खर्च नहीं करते थे, आज आपको क्या हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मैंने जितना कहा उतना कर दो बस। भोलानाथ अपने गांव के जंगल में जाकर रुक गया और उस तिलस्मी आदमी को ढूंढने लगा। देखते ही देखते भोलानाथ को एक आईने का घर नजर आया जिस घर के बाहर एक सुंदर आदमी ध्यान में लीन नजर आ रहा था। लगता है ये जादूगर आदमी वही है जिसकी सभी बातें कर रहे थे। मैं जाके उसे अपने चिकड़ी चुपड़ी बातों में फंसा देता हूँ और माला माल हो जाऊंगा। भोलानाथ उस मायावी आदमी के घर के बाहर खड़ा हो गया और उससे कहने लगा,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे गांव में आ गए। आ जाओ भोलानाथ, आ जाओ। 100 साल तपस्या करके मैंने ये गुण सीखा है। कहो कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे मैं यहाँ किसी लालच में नहीं आया हूँ, मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप बस मेरे घर चलिए और भोजन ग्रहण कर लीजिए, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। बस आपका सत्कार करना है मुझे, इतने बड़े महान पुरुष हमारे गांव में आए हुए। अरे ये तो बहुत बड़ी बात कह दी तुमने भोलानाथ। आजकल इस दुनिया में कोई भी किसी के साथ नहीं है और तुम मुझे न्योता देने आए हो, इससे बड़ी बात तो कोई नहीं हो सकती हमारी। भोलानाथ उस तिलस्मी आदमी को लेकर अपने घर ले आया और घर में उस आदमी की काफी अच्छी खातिरदारी की। काव्या ने लजीज दावत और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उस आदमी के सामने रख दिए। अबे कितना खाएगा, इतना तो मेरा खानदान 2 दिन में नहीं खाता। बहुत लजीज खाना था भोलानाथ, मैं तुम्हारी सेवा से खुश हुआ। अब बता तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मैं वो जरूर पूरी करूँगा। जी मेरी ज्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि मैं पैसे वाला हो जाऊँ और अपने खानदान को सारी खुशियाँ दे दूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, मैं तुम्हें 4 सोने के पटाखे दूंगा। इतना कहकर उस आदमी ने भोलानाथ के सामने 4 पटाखे रख दिए, जिसमें सोने की फुलझड़ी, सोने का अनार, सोने की चक्री और सोने का रॉकेट भी था। ये क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे सामने 4 सोने के पटाखे हैं। सोने की फुलझड़ी जलाते ही तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे, सोने के अनार जलाते ही तुम्हें खूब सारे सोने के गहने मिलेंगे, सोने की चक्री जलाते ही तुम्हें जिंदगी भर का सोना मिल जाएगा, तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। लेकिन सोने की रॉकेट मत जलाना, उसे जलाने से खतरा भी हो सकता है। हाँ, जी जरूर, सोने की रॉकेट मैं कभी नहीं जलाऊंगा। इतना कहकर वो सुंदर आदमी वहां से चला गया। सोने के पटाखों को पाकर भोलानाथ बेहद खुश था। सुनिए जी, हमारे पास तो पहले से ही इतना सब कुछ है, हमें इन सब चीजों की क्या जरूरत? अरे तुम चुप रहो और मेरे बीच में दखल अंदाजी मत करो। भोलानाथ उन पटाखों को लेकर अपने घर के बाहर चला गया और सबसे पहले सोने की फुलझड़ी को जलाई। उसने जैसे ही सोने की फुलझड़ी जलाई, उसमें से 2 सोने के सिक्के निकले, जिसे देखकर भोलानाथ बेहद खुश हुआ। इन सिक्कों को मैं काव्या को दे दूंगा, इन्हें तुड़वा कर अपने लिए वो गहने बनवा लेगी। अब मैं सोने का अनार जलाऊंगा। और फिर क्या था, सोने की लालच में वो सोने का अनार जलाने लगा। सोने का अनार जैसे ही जला, उसमें से कई सारे सोने के गहने निकलने लगे, जिन्हें पाकर भोलानाथ बेहद खुश हो गया। अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मुझे अब संपत्ति, धन और बल में कोई भी नहीं हरा सकता। पैसों और सोने का लालच भोलानाथ की आंखों पर कुछ इस तरह सवार था कि भोलानाथ ने तुरंत सोने की चक्री में भी आग लगा दी। जैसे ही सोने की चक्री जली, वो चक्री घूमते घूमते भोलानाथ को एक अलग ही महल में ले आई। उस महल में हर तरफ सोना ही सोना था। इस महल और इस सोने का मैं इकलौता मालिक हूँ और मैं इस दुनिया के किसी भी कोने में अपना संसार खुशी से शुरू कर सकता हूँ। और अभी भी मेरे पास सोने का रॉकेट बचा हुआ है, मैं इसे भी जला दूंगा। अगर मैंने इसे भी जला दिया तो वहाँ तो हीरे और कीमती सामान भी होंगे, मैं उस जादूकर आदमी की तरह बन जाऊंगा। भोलानाथ लालच में आकर अपने पास बचे हुए सोने के रॉकेट को भी जला देता है। रॉकेट उस जगह से दूर जाने लगता है। उस रॉकेट का पीछा करते हुए भोलानाथ एक जंगल में जा पहुंचा। अरे ये रॉकेट इतनी दूर क्यों जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे उस रॉकेट के पीछे भागना होगा। वो रॉकेट जंगल के आसमान में फूट जाता है। जैसे ही रॉकेट फूटता है, पूरा जंगल सुनहरे रंग का दिखने लगता है, मानो जैसे पूरा जंगल सोने का हो। जैसे ही उस जंगल में भोलानाथ पहुंचता है, उसे वहां बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है जो सुनहरे जंगल में थे।
आप सब कौन हैं और इस सोने के जंगल में क्या कर रहे हैं? ये सारा सोना मेरा है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये सोना लेकर तुम क्या करोगे बेटा? तुम इस जंगल के बाहर नहीं जा सकते, हम यहाँ पिछले 20 सालों से बंद है। मगर सोने के अलावा कुछ नहीं है। हम भी उस जादूकर आदमी के सोने के लालच में फंस गए। आज हमारे पास सिर्फ संपत्ति है, सिर्फ ये जंगल और कुछ भी नहीं। ये तुम सब क्या कह रहे हो? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। भोलानाथ उन सब की बातें सुनकर घबरा जाता है। जैसे ही वो सोने के जंगल से बाहर जाने की कोशिश करता है, वो एक तिलस्मी दीवार से टकरा कर गिर जाता है और भोलानाथ लाचार होकर वहीं रह जाता है। तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं आए, मेरा तो बेहद दिल घबरा रहा है, न जाने कहाँ होंगे वो, जरूर वो किसी मुसीबत में होंगे। काव्या घर के बाहर निकली और उसने देखा कि फुलझड़ी अनार और चकरी जलकर फूट चुके हैं। वो समझ गई कि भोलानाथ ने सोने का रॉकेट भी जला दिया है। ये सोच कर वो उसी तिलस्मी आदमी के पास चली गई। मुझे पता है कि आपने ही मेरे पति के साथ कुछ किया है, आप क्यों मेरा सुहाग गुजारना चाहते हैं? कृपा कीजिए मुझ पर, रहम कीजिए। अरे भोलानाथ अपने किए पर ही पछता रहा है, जब उसे अपने गलती का एहसास हो जाएगा वो खुद बखुद अपने घर आ जाएगा। दूसरी तरफ उस सोने के जंगल में भोलानाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसी एक क्षण भोलानाथ अपने घर के बाहर आ गया और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अपनी बीवी काव्या को पाकर भोलानाथ बेहद खुश हुआ। मेरे इसी लालच के वजह से मैं आज इस मुसीबत में जा पहुंचा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि असली धन और कोई नहीं बल्कि मेरा खानदान है। आज के बाद मैं आपसे किसी भी लालच या बुरी जगह नहीं जाऊंगा और ना ही मैं किसी के झांसे में फंसूंगा।